हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को यूई सेमेस्टर 2 सेशन 22 सब्जेक्ट में देखिए आप सभी बच्चे पढ़ रहे हैं। आप सभी बच्चों का देखिए अभी हाल ही में एग्जामिनेशन खत्म हुआ है, लेकिन इंटरनल एग्जामिनेशन बाकी है। इंटरनल फिर बोल रहा हूँ, आप सभी बच्चों को देखिए प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन बाकी है और बहुत से बच्चों को देखिए प्रैक्टिकल एग्जाम का डाउट है, वो भी क्लियर कर दूंगा कि देखिए किस बच्चे को प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन देना है, किसको नहीं देना है। साथ ही साथ एक सबसे जरूरी जानकारी आप सभी बच्चों को देखिए, जो एवीजी अकाउंट था, जैसे कि आपको पता होगा कि यूनिवर्सिटी वालों ने बोला था कि जिस बच्चे का यूनिवर्सिटी का बेसिकली जो एवीजी अकाउंट अगर नहीं बना होगा तो उस बच्चे को फॉर्म फिलअप करने नहीं दिया, सेमेस्टर 2 का एग्जामिनेशन देने दिया, लेकिन जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस पर हम लोग चर्चा करने वाले, तो आप सभी बच्चे वीडियो क्लास तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नहीं हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर अपडेट आपको चैनल पर मिलते रहे। देखिए सबसे पहले बता दूं, आप सभी बच्चों को देखिए जो प्रैक्टिकल एग्जाम चल होगा वो किन का होगा। देखिए साइंस कैंडिडेट है उनमें भी देखिए किसका, मैथ्स ऑनर्स को छोड़ के बाकी लगभग सभी का होगा। फिजिक्स बोलिए, केमिस्ट्री बोलिए, बॉटनी बोलिए, जूलॉजी बोलिए, सबका होगा, प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। साइकोलॉजी का यहाँ पर होता है, होम साइंस का भी यहाँ पर होता है, लेकिन याद रखिए जो बच्चे आर्ट्स बैकग्राउंड से उनका नहीं होता, सिर्फ ज्योग्राफी वालों को होता है, बाकी किसी को नहीं होता। कोई बच्चा पॉलिटिकल साइंस है क्या उसका होगा? आप खुद सोचिए ना, सेमेस्टर वन में आपको प्रैक्टिकल हुआ था, आप खुद सोच लीजिए ना। आप देखिए जिस भी बच्चे का याद रखिएगा, पहले बात याद रखिएगा सिर्फ मेजर पेपर का प्रैक्टिकल होता है, बाकी कोई पेपर का प्रैक्टिकल नहीं होगा। मेजर पेपर कितना नंबर का आपका? 80 नंबर का है, 20 नंबर सॉरी 75 नंबर का है, 25 नंबर आपका कॉलेज की तरफ से दिया जाता है, 20 नंबर इंटरनल, 5 नंबर बीवी का आधा पे अटेंडेंस के आधार पर आपसे एक बच्चों को मार्क्स मिलता है। तो जो भी देखा आपका मार्क्स सिस्टम, तो उन्हीं बच्चों को प्रैक्टिकल होगा जो बेसिकली साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, और आर्ट्स में देखिए जिनका ज्योग्राफी ऑनर्स है वही उसी को, बाकी किसी का नहीं होने वाला। कॉमर्स के बच्चे होगा ही नहीं, निश्चित रह सकते आपसे कॉमर्स के बच्चे, ठीक है। तो ये तो प्रैक्टिकल एग्जाम रूटीन का जो जानकारी थी वो हमने क्लियर कर दिया, और यूनिवर्सिटी बोल दिया कि 24 से लेकर 5 तारीख के बीच में, शायद 24 या 5 ही डेट था, ठीक है, उस बीच में आपका जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है वो यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराएगा। बाकी देखिए आप सभी बच्चों का यूनिवर्सिटी में बोला है कि सेमेस्टर 2 का जो एबीसी अकाउंट है, ठीक है, एबीसी अकाउंट का क्या यूज पड़ा आप खुद बताइए। सेमेस्टर 1 में शायद पिछले वर्ष की घटना थी या फिर इसी साल में घटना आया था, हाँ इसी साल घटना था, सरस्वती पूजा के पहले या फिर, ठीक है, जहां बोला गया था कि जिन भी बच्चों को एबीसी अकाउंट नहीं बना होगा उसको एग्जाम फॉर्म भरने दिया जाएगा, लेकिन ऐसा रद्दी भर भी कुछ नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन एबीसी अकाउंट देखिए बनाना जरूरी है, क्यों? क्योंकि इसी के आधार पर जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी से बच्चे पढ़ रहे हैं वो क्या होगा, कोई बच्चा का बीच में सेमेस्टर छोड़ देता है, जैसे मान के चलते कोई बच्चा सेमेस्टर 2 में किसी कारण एग्जामिनेशन छोड़ देता है, यानी इवन सेमेस्टर में, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 6 में, तो होगा क्या कि अगर वो भविष्य में फिर से कभी भी ग्रेजुएशन करना चाहेगा तो बीच में जहां पर सेमेस्टर 2 में छोड़ा था, सेमेस्टर 4 में छोड़ा था, सेमेस्टर 6 में छोड़ा था, वो आगे से क्या कर सकता है, ज्वाइन कर सकता है। ये इस सिस्टम का जो एबीसी अकाउंट है उसका बेसिकली बेनिफिट होता है, जिसे हम लोग एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के नाम से जाना जाता है। और देखिए यूनिवर्सिटी वाला कुछ बोले चाहे ना बोले, आपका काम है देखिए एबीसी अकाउंट बनाना, क्योंकि इससे आपका भविष्य अच्छा है, क्योंकि ये यूजीसी का गाइडेंस कहता है, यूनिवर्सिटी कुछ बोले चाहे ना बोले आपका काम है देखिए इसको बना रखना। और जो मोस्ट ऑफ द बच्चे होंगे, शायद 80% बच्चों ने अपना एबीसी अकाउंट बना लिया है, और कुछ बच्चे ये भी एबीसी अकाउंट अपना बनाया नहीं, कुछ कुछ बच्चों ने क्या किया अपने घर वालों को आधार कार्ड से एबीसी अकाउंट जोड़ दिया। लेकिन भाई ऐसा नहीं होगा, मैं बता देता हूँ, आपका नाम से एबीसी अकाउंट बनना चाहिए, आपका जो आधार कार्ड है वो जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि आधार कार्ड आपका एक ऐसा डिटेल है, मतलब कह सकते हैं ऐसा कार्ड है सब कुछ जुड़ा हुआ रहता है। तो अगर आप अपना आधार कार्ड से लॉग इन करके एबीसी अकाउंट बनाना चाहते हैं, इसके लिए मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ यूट्यूब पे जो अवेलेबल है, आप जाके देखिए एबीसी अकाउंट कैसे बनाना है। अगर आपका आधार कार्ड में देखिए अगर आपका फोन नंबर नहीं जुड़ा तो जुड़वा लीजिए, 15 दिन 20 दिन 1 महीने बाद तो आएगा कम से कम, उसके बाद आपका एबीसी अकाउंट बन गया। काम करता है एबीसी अकाउंट बनाना बहुत ईजी, आप लोग कुछ जगह देखिए वीडियो बोलिए ये क्या मजाक बना रखा है, ये तो आप 2 मिनट में बना सकते हैं, इसलिए जल्द से जल्द एबीसी अकाउंट बना लीजिए। बाकी देखिए आपसे बच्चों जो सिलेबस है वो मैं एक एक करके डिस्कस करता आ रहा हूँ, ठीक है। पहले मैंने आपको कॉमन कोर्स डिस्कस करूंगा, फिर एक एक करके देखिए सभी जो ऑनर्स पेपर उसमें डिस्कस करता, ठीक है। चलिए मिलते हैं वीडियो पे, जय जय।